नमस्कार, बीके न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीएम हाउस से विधायकों को लेकर खूंटी के डूमरगाड़ी गेस्ट हाउस पहुंचे, 3 बसों में सवार हुए विधायक। महाराष्ट्राची हास्य जत्रा के अभिनेता पहुंचे नागपुर वासियों से मिलने। महाराष्ट्राची हास्य जत्रा महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय कार्यक्रम। और नागपुर में स्वाइन फ्लू से 20 मरीजों की मौत, 30 अगस्त को मृत्यु विश्लेषण समिति की बैठक। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में सियासी उथल पुथल के बीच आखिरकार 3 बसों पर सवार होकर यूपीए के विधायक और मंत्री रांची से रवाना हो गए। सीएम हेमंत सोरेन के साथ सत्तारूढ़ दल के विधायक खूंटी के डूमरगाड़ी गए हैं। 3 बसों में सवार विधायकों की संख्या 37 मानी जा रही है। सियासी उथल पुथल के बीच हेमंत सोरेन और यूपीए अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि झामुमो कांग्रेस और राजद के विधायकों को रांची से बाहर ले जाया गया है। सीएम हेमंत सोरेन विधायकों के साथ खूंटी के डूमरगाड़ी गेस्ट हाउस पहुंचे। वहां पर खूंटी के एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद है। गेस्ट हाउस में विधायकों को ठहरने के लिए गद्दा और कुर्सियों के इंतजाम किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इन विधायकों को खरीद फिरोख्त से बचाने के लिए रखा गया है। 3 बसों में सवार होकर मुख्यमंत्री आवास से निकले विधायकों की अगुवाई खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहली बस में सबसे आगे की सीट पर बैठे थे। इनके अलावा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, आलमगीर आलम, अंबा प्रसाद सहित कांग्रेस, झामुमो और राजद के विधायक शामिल हैं। इससे पहले सीएम हाउस में मीटिंग के तमाम विधायक लगेज के साथ नजर आए थे। मीडिया कर्मियों के सवाल पर उन्होंने कहीं जाने से इनकार किया था। महाराष्ट्र में 19 शहरों में वायु प्रदूषण देश भर में निर्धारित स्तर से अधिक है। महाराष्ट्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन के क्षेत्र में सक्रिय कदम उठाकर अन्य राज्यों के लिए मिसाल कायम कर सकता है। इंडिया क्लीन एयर समिट 2022 में भाग लेने वाले वायु प्रदूषण विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने यह विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्रवाई कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। इसलिए विशेषज्ञों ने राय व्यक्त की है कि भविष्य में महाराष्ट्र में 20,000 से 40,000 नौकरियां सृजित की जा सकती है। अकोला जिले में जानवरों को लंपी स्किन संक्रामक रोग का खतरा बढ़ गया है। जिले में 109 जानवर इस संक्रामक रोग से संक्रमित पाए गए। कलेक्टर नीमा अरोड़ा ने जिले के अन्य हिस्सों में अन्य पशुओं में इस बीमारी के फैलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रभावित क्षेत्र को संक्रमण के केंद्र से 10 किलोमीटर दूर घोषित करने का आदेश जारी किया है। जानवरों को लंपी स्किन संक्रामक रोग का खतरा होता है। जिले में निपाना, अकोला, साथिया कोट और तेलहारा तालुका के जानवरों में ये बीमारी पाई गई है। पहली नजर में पता चला कि जिले में 109 पशु इस बीमारी से संक्रमित है। उसकी त्वचा की खुरचनी और रक्त के नमूने जांच के लिए पुणे भेजे गए हैं। रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि निपाना में एक जानवर इस बीमारी से संक्रमित था। प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को कीटाणु रहित कर दिया गया और 10 किलोमीटर के दायरे में जानवरों की खरीद, बिक्री, परिवहन, बाजार, मेलों और प्रदर्शनियों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। महाराष्ट्राची हास्य जत्रा महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय कार्यक्रम माना जाता है। हफ्ते में 4 दिन दर्शक इस शो को देखते हैं। कुछ दिनों का ब्रेक लेने के बाद फिर से ये कार्यक्रम लोगों को हंसाने के लिए आ जाता है। ये कार्यक्रम महाराष्ट्र के कोने कोने में देखने को मिलता है। इस कार्यक्रम के दमदार कॉमेडियन समीर चौगले, पृथ्वी प्रताप, रसिका वेंगुर्लेकर, वनिता खरात आज नागपुर वासियों से मिलने पहुंचे हैं। नागपुर मधल्या सर्व पत्रकार बंधूंना भगिनींना मी भेटतोय, याचा आम्हाला खूप आनंद आहे। आणि आमच्या हास्यजत्रेच्या कामानिमित्त किंवा इतर इव्हेंट्स निमित्त आम्ही अख्खा महाराष्ट्र पिंजून काढत असतो आणि त्यावेळेला तुमच्यासारखे अनेक जण आशीर्वाद देणारे, प्रेम करणारे नेहमी भेटत असतात। आणि खरं तर सोनी मराठीनी ही कल्पना आणली की अदरवाईज आपली भेट कधीच झाली नसती, तर ही कल्पना आणली की आपण प्रत्यक्ष जाऊन सगळ्या पत्रकार भगिनींना बंधूंना भेटू शकतो। तर तुमचे जे काही प्रश्न असतील, कारण आता एका दोन महिन्याच्या गॅपनंतर आमची हास्यचित्र पुन्हा नव्या जोमाने सुरू झालेली आहे आणि 600 एपिसोड त्याचे आता होत आलेले आहेत, याचा आम्हाला खूप आनंद आहे खरं तर। आणि हे तुमच्या सपोर्टशिवाय किंवा तुमच्या पाठिंब्याशिवाय हे केवळ अशक्य होतं। तर सगळ्यात आधी आपल्या प्रेस कॉन्फरन्सची सुरुवात मी तुमचे आभार मानून करतो, थँक्यू व्हेरी मच। सगळ्यात आधी म्हणजे एक 1.5 महिन्याची गॅप आम्हाला जवळजवळ 4 वर्षांनी मिळाली आम्हाला, आणि मला असं वाटतं की ही गॅप मिळणं खूप गरजेचं असतं। आमचा सेट संपूर्ण नवीन झालेला आहे। तुम्ही जर आत्ताचे एपिसोड बघितले असतील
तर सेट आमचा पूर्ण नवीन झालेला आहे, वायब्रंट झालेला आहे, अजून कलरफुल झालेला आहे. म्हणजे हास्यजत्राचं म्हणतात ना, हास्यजत्रामध्ये जी गोष्ट आहे पॉझिटिव्हिटी, एक वायब्रंट गोष्ट किंवा अत्यंत एक पॉझिटिव्हिटी असले भरलेला कार्यक्रम, ती आम्ही आमच्या सेटमधून दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि मुळात कॅमेऱ्याची पोझिशन्स आम्ही अशी काही केलेली आहे की आता पूर्ण सेट आम्ही वापरू शकतो. आता एक रॅम्प केलेला आहे, म्हणजे सई आणि प्रसादोग जिथे बसतात तिथून आमच्या स्टेजपर्यंत येईपर्यंत एक रॅम्प असा केलेला आहे, त्याचाही आम्ही वापर स्किटमध्ये करू शकतो. याने होतं काय, वेगवेगळ्या विषय आम्हाला अजून ओपन झालेले आहेत. म्हणजे जे एवढ्याशा जागेत आमचं स्किट घडत होतं ते आता खूप मोठ्या लेवलला किंवा मोठ्या जागेत घडू शकतं, आणि त्यामुळे विविध विषयांच्या शक्यतासुद्धा अजून वाढतात की बाबा जे विषय आधी आम्ही करू शकत नव्हतो की हे मंचावर शक्य होणार नाही ते सुद्धा आता शक्य होऊ शकतात. तर पिक्चर, हां म्हणजे ते तुम्हाला जाणवलं असेल की एक फ्रेशनेस आलेला आहे. हां एक्झॅक्टली, हां हो. आणि मध्यंतरीच्या काळात आमच्या वाहिनीने सुद्धा सर्वे केला की काय आवडतं तुम्हाला नक्की हास्यजत्रामधलं, तर अनेकांनी सांगितलं की तुमच्या ज्या सिरीज आहेत, म्हणजे आमच्या काही सिरीज आहेत, म्हणजे शिवाली एक हरय आहे किंवा सासू आणि सुना यांची एक सिरीज आहे त्यांची, त्या सिरीज खूप लोकप्रिय झालेल्या आहेत, तर त्या लोकांना बघायला खूप आवडतात. बाबूजी एक सिरीज आहे, अशा अनेक सिरीज आहेत. नुकती आमची आलेली एक लोचन मजनू नावाची एक सिरीज आलेली आहे, जी तो अँकर असतो आणि त्याची एक सिरीज आलेली आहे. किंवा मोरे फॅमिली आहे, रसिका आणि प्रभाकर मोरे यांची एक फॅमिली आहे, त्रास देणारी लोकांना कारण नसताना, याची शीतली आणि याची एक आहे, म्हणजे नम्रता आणि यांची एक लव्ह स्टोरी असते, तर शंकरे आणि शीतली, आणि याची वनिताची एक आहे ती मामा आणि मामी यांच्या दोघांची भांडणं ओंकार भोजनानी यांची नेहमी होत असतात. तर लोकांना त्या सिरीज बघायला खूप आवडतं असं आम्हाला लोकांनी आमच्यापर्यंत पोहोचवलं, जोड्या. तर त्यामुळे त्या आम्ही आता जास्तीत जास्त तुमच्यासमोर वेगवेगळ्या रूपात आणण्याचा प्रयत्न करतो आहे. तर तो जो तुम्ही आत्ता प्रश्न विचारलात की काय नवीन असणार आहे, नवीन विषय असणारच आहेत, नवीन कॉम्बिनेशनच असणार आहेत. आता मी आणि वनितानी फार काम केलेलं नाही असं आमच्या लक्षात आलं, तर माझ्या आणि वनिताच्या कदाचित स्किट तुम्हाला जास्त बघायला मिळतील. रसिका आणि मी फार क्वचित काम केलं आहे, कदाचित असं असेल तर मी रसिका पृथ्वीक ही जोडी आजपर्यंत तिघांची झालेली नाही आहे, तर तसं आम्ही करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर एकूण सगळ्याचं ध्येय किंवा एक म्हणतात त्याचा बेस हीच आहे, हाच आहे की तुम्हाला सगळ्यांचं निखळ मनोरंजन करणे, दॅट्स इट. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. बाहर बाहर उठो बैठो. तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com.
नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना। और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना। मसालों में मसाले अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। यवतमाल के वसंतराव नाइक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के 5 छात्रों को जूनियर छात्रों की रैगिंग के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर मिलिंद फुलपाटिल के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। पीड़ित छात्र के माता पिता ने शिकायत की है कि कॉलेज प्रशासन मामले को दबा रहा है, इसलिए स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में पढ़ रहे अनमोल भंभानी की मां जूही भंभानी ने 23 अगस्त को अधिकारियों से शिकायत की कि अनमोल भंभानी ने अपने सीनियर सहयोगियों द्वारा लगातार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के कारण सेलुलाइटिस जैसी गंभीर स्थिति विकसित कर ली है। इस शिकायत के बाद 4 सदस्यीय जांच कमेटी ने मामले से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए थे। सर्जरी रूम में नर्स समेत सभी से पूछताछ की गई। इस समिति की स्थापना शुक्रवार शाम को की गई। उसके बाद इस रैगिंग मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए डॉक्टर ओमकार कावठीके, डॉक्टर अनूप शाह, डॉक्टर सौलक्ष्मी बनोद, डॉक्टर प्रियंका सालुंके और डॉक्टर पी बी अनुषा को सस्पेंड कर दिया गया है। मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात एम्बुलेंस के चालकों को वेतन का भुगतान न होने से पिछले 6 माह से उनके परिवारों पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कई बार मानदेय भुगतान की मांग की जा चुकी है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी बीच जिले में 102 एम्बुलेंस के 76 चालक ड्यूटी कर रहे हैं और ये चालक पिछले 6 माह से अपने परिश्रमिक का इंतजार कर रहे हैं। गंभीर बीमारी से पीड़ित और आपातकालीन स्थितियों में गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान की जाती है। इसके लिए एम्बुलेंस चालकों को हर समय सतर्क रहना होगा। पहले एम्बुलेंस चालकों की नियुक्ति NRHM से होती थी, लेकिन पिछले 3 साल से निजी कंपनी के माध्यम से चालकों की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि एम्बुलेंस चालकों को प्रति माह 13,500 रुपये का भुगतान किया जाता है, जिसमें से 9,000 रुपये PF और अन्य योजनाओं के तहत परिश्रमिक की कटौती के बाद चालक के खाते में जमा किए जाते हैं। परिश्रमिक कम होने के कारण वाहन चालक पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में पिछले 6 महीने यानी मार्च 2022 से अब तक का उनका परिश्रमिक नहीं मिला है। इससे वाहन चालकों के परिवार पर आर्थिक संकट आ गया है। जिले में स्वाइन फ्लू गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। इस बीमारी से 20 और लोगों की मौत होने की खबर है। 30 अगस्त को होने वाली मृत्यु विश्लेषण समिति की बैठक में स्पष्ट होगा कि इनमें से कितनी मौतें अकेले स्वाइन फ्लू से हुई है। 1 जनवरी 2022 से 25 अगस्त 2022 तक नागपुर के शहरी क्षेत्रों में कुल 346 मरीज मिले, जिनमें शहर के बाहर 191 और 155 शामिल हैं। गोंदिया में आज नेत्रदान जन जागृति के उद्देश्य से एक रैली का आयोजन किया गया। ये जागरूकता कार्यक्रम 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगा। इसमें स्कूलों, कॉलेजों, गाँवों में जाकर सार्वजनिक गणेश मंडल में नेत्रदान करने के लिए जागरूकता पैदा की जाएगी। इसी तरह गोंदिया जिले में 2018 से अब तक 140 लोगों ने नेत्रदान किया है। जिले में 800 लोगों ने नेत्रदान के लिए पंजीकरण कराया है। गोंदिया जिला नेत्रदान में महाराष्ट्र में दूसरे स्थान पर है। तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।